पानसेमल विधानसभा में नाम निर्देशन पत्र निकालने के बाद विधानसभा चुनाव में चार प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं। अंतिम दिवस तक तीन प्रत्याशियों के नाम निर्देशन निकालने के बाद चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी श्याम बरडे, कांग्रेस पार्टी से सुश्री चंद्रभागा किराड़ी को मैदान में उतारा गया है। तो वही आम आदमी पार्टी के रूप में निवाली जनपद पूर्व अध्यक्ष दयाराम डावर मैदान में उतरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ने दिख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के बागी के रूप में कांग्रेस के लिए चिंता बनी रमेश चौहान, जिला पंचायत सदस्य जिनके समर्थन में पीसीसी सदस्य राजू गोयल के द्वारा मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। फिलहाल कांग्रेस की उम्मीदवार सुश्री चंद्रभागा किराड़ी के राहों में रुकावट पैदा कर रही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों की गणित डगमगाते नजर आ रहे हैं और अब इंतजार करना होगा कि 2023 की रण का विजेता कौन होगा और कौन मतदाताओं को लुभाने में कामयाब होगा। गणेश जी, आपने निर्दलीय फॉर्म भरा है, कांग्रेस पार्टी से बागी हो, क्या कारण और क्या है? देखो, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार, मेरा मन से नहीं भरा, जो मेरा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता ने, वरिष्ठ ने, सब पानसेमल विधानसभा के पूरे टोटल ने बोला कि चंद्रभागा किराड़े ये सीट नहीं बचा पाएंगी, इसलिए निवाली में तीन बार बैठक हुई तो वहाँ पर हमने पांच उम्मीदवार ने दावादारी करी थी, वो पांचों दंड ने बैठा थे कि मैडम को टिकट मिल गया, अभी तुम क्या कर रहे? तो सब ने बैठक लेके बोला कि अभी चार में से किसको लड़ाए? बोला, हमने बोला कि तुम सब कार्यकर्ता वरिष्ठ है, जिसको भी हमको चार जन में से किसको भी तुम फाइलन कर देंगे वो हम सहमत है, सर्वसहमति से सहमत है। और हम वो बताया तो मेरा नाम चुन के, कार्यकर्ता ने मेरा नाम चुन के लाया है, इसके लिए मैंने फार्म निर्दलीय डाला है। आप जाओगे जनता के लिए? आज मुद्दे हम तो आज वर्तमान ये विधायक है, इसकी नाराजगी में हमने काम कर रहे हैं, आवेदन भरा है, तो हमने कांग्रेस का, खास कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस का मुद्दा लेके जाएंगे और विशेष हमारा भी कोई रहेंगे इसमें जोड़ेंगे, वो मुद्दा लेके आम जनता तक पहुँचेंगे और आम जनता मेरी पर विश्वास है। नीचे से पूरा चुनाव जीतते जीतते मैं पढ़ा तो कम हूँ, बारकू बाबा ने मेरी ऐसे धोती और टोपी पहन के, काली बैग लेके पानसेमल विधानसभा के पांचवा बार चुनाव विधायक का जीता है, ऐसा मेरा भरसा है कि बारकू दादा के चरण में और हमारे वापिस बारकू दादा की याद आ रही है। और आप निर्दलीय रूप से राजनीतिक पार्टी बीजेपी कांग्रेस दोनों आपके समर्थक, किनसे आपकी ज्यादा चुनौती है? दोनों पार्टी मेरी टक्कर में है, तो मेरा विश्वास है कि मेरा कार्यकर्ता मेरे को विजयी, कहीं भी ताकत से मेरे को विजयी बनाएंगे और जनता के लिए जो भी विधायक का काम है, मेरा दरवाजा रात में 12 बजे भी खुला रहेंगे, ऐसे लोगों का ऊपर मेरा भी विश्वास है, विश्वास मेरे ऊपर भी लोगों ने कर रखा है। क्या नाम है? राजेंद्र गोयल। पानसेमल विधानसभा से प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा होगा कांग्रेस का? पानसेमल विधानसभा से जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर रहा है, हमारे मतदाताओं ने और कार्यकर्ताओं ने खड़ा कर रहा है, और हमारे मतदाता है उनका आश्वासन है कि हम पानसेमल के निर्दलीय उम्मीदवार को जीता के लाएंगे और हजारों वोटों से जिताएंगे और मैडम की जमानत जब्त करा देंगे और बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा देंगे। आप पीसीसी सदस्य हैं और निर्दलीय प्रत्याशी में, आप किस तरीके से क्या रहेगा आगे? मैं पीसीसी सदस्य था, मैं कल इस्तीफा दे दूंगा, मुझे कोई कांग्रेस से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कांग्रेस के वरिष्ठों को बहुत समझाया,
और हमने कई लेटर लिखे, कई पत्र करे, फोन से बातचीत करी और की मैडम नहीं जीत रही, उसके बावजूद भी मैडम को हाईकमान ने टिकट दिया, सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया, जिसके कारण आक्रोश होके मतदाताओं ने हमें बुला के और फोन लगा लगा के बोला कि हमको निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करना है, हम जीता के लाएंगे, इसलिए हमने ये सभी कमेटी ने बोली है कि हम निर्दलीय उम्मीदवार को जीता के लाएंगे और उसे अधिक से अधिक वोटों से जिताएंगे। यदि प्रत्याशी हमारा जीत जाता है तो हम जनता की सेवा करेंगे, घर घर जाएंगे, उनकी मांग अनुसार उनके काम करेंगे और उनकी जो भी मूलभूत सुविधा है जिससे वो वंचित है उसे हम सहयोग कर उसे अधिक से अधिक कार्य करेंगे।